हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो रिव्यू होने वाला है वो के लाइट फेयरनेस सोप पे होने वाला है। और के लाइट के हाइड्रोक्विनोन क्रीम का रिव्यू मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ 1-1.5 साल पहले, ठीक है। और के लाइट के नेचुरल क्रीम का रिव्यू मैंने अभी हाल ही में ही किया है, आप मेरे प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। नाइट क्रीम के फोल्डर में आपको के लाइट क्रीम मिल जाएगी, या फिर आप BLR प्रोडक्ट रिव्यू के लाइट नेचुरल क्रीम करके भी सर्च कर सकते हैं, तो भी आपको जो है वीडियो दिख जाएगी। तो फिलहाल हम बात करेंगे आज सोप की, ठीक है। इसके बाद जो है मैं तीनों पर एक वीडियो बना दूँगी, जैसे कि आपको अंदाजा लग जाए कि आपको क्या ट्राई करना है और क्या ट्राई नहीं करना है, ठीक है। तो अब बात करते हैं सोप के बारे में। तो जब के लाइट नेचुरल की क्रीम जब मैं सर्च कर रही थी, तो मैंने तब ये सोप पे मेरी नज़र गई। हालांकि मैं के लाइट सोप जो अलग से सर्च नहीं कर रही थी, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ, इतने सारे प्रोडक्ट होते हैं यार, क्या क्या ट्राई करना है, क्या क्या नहीं करना है, क्या लेना है क्या नहीं, क्या क्या मैंने यूज़ कर लिया है, मैं यहाँ तक ये भी भूल जाती हूँ, ठीक है, रिजल्ट भी भूल जाती हूँ। तो मैंने क्या किया, एक डायरी बना रखी है, जिस प्रोडक्ट के मुझे बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है तो मैं उसे नोट कर लेती हूँ, ताकि अगर आपको कोई दिक्कत हो, आप मुझसे पूछें, तो मैं वही प्रोडक्ट आपको रिकमेंड करूँ। क्योंकि बहुत सारे, इतने सारे प्रोडक्ट मैं मतलब यूज़ कर चुकी हूँ और नहीं याद रहता यार, मतलब सारे रिजल्ट जो होते हैं वो खचड़ पचड़ हो जाते हैं। जैसे कि अगर आप एक किताब पढ़ते हैं और उसी की जगह जो है आप 10 किताब पढ़ते हैं, तो वो सारा जो मैटर होता है वो खचड़ पचड़ हो जाता है पूरा, ठीक है। तो सेम इसमें भी यही होता है कि इतने सारे प्रोडक्ट मैंने लगा लिए, तो सारे रिजल्ट जो हैं वो सारे खचपच हो जाते हैं, मतलब एक का जो है वो पता नहीं चलता है। तो ऐसे बहुत, मतलब जैसे एक्ने के लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि क्लीन थ्री या फिर फेमसिनॉल, दो ही क्रीम जो है, दो जेल जो है, मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ एक्ने के लिए, ठीक है। और क्रीम जो है नो स्कार्स मैं रिकमेंड करती हूँ, के लाइट करती हूँ, डेमलिन करती हूँ, जो मतलब के लाइट और हाइड्रोक्विनोन, ये दोनों के लिए, मतलब के लाइट और नो स्कार्स जो है ये हाइड्रोक्विनोन क्रीम है। अगर किसी को रिजल्ट जल्दी से चाहिए अपने स्किन टोन को इंप्रूव करने के लिए, तो आप के लाइट या हाइड्रोक्विनोन क्रीम लगा सकते हैं, मतलब के लाइट और नो स्कार्स क्रीम लगा सकते हैं, दोनों ही हाइड्रोक्विनोन क्रीम है। अगर बात आती है, कई लोग नहीं चाहते हैं कि हम इस तरह की हाइड्रोक्विनोन क्रीम लगाएं, कोई बिना साइड इफेक्ट की क्रीम चाहते हैं। हालांकि जो नो स्कार्स और के लाइट क्रीम है, इनके भी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर रहता है कि हाइड्रोक्विनोन है, थोड़ा सा स्किन कैंसर का भी खतरा रहता है। हालांकि ऐसी कोई भी, अभी तक कोई भी ऐसा मतलब केस नहीं हुआ है कि हाइड्रोक्विनोन से कैंसर हुआ है, ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डर रहता है। तो उसके लिए अगर जो बिना साइड इफेक्ट क्रीम है, जिनके मतलब जो स्टेराइड फ्री हैं, तो उनमें मैं आपको दो क्रीम रिकमेंड करती हूँ, बिलुमा और डेमलिन, ठीक है। अब बिलुमा और डेमलिन में जो है वो एक क्रीम सबसे बढ़िया है, तो वो है बिलुमा, ठीक है, डेमलिन सेकेंड ऑप्शन है। अगर नो स्कार्स हाइड्रोक्विनोन में दो क्रीम है, के लाइट और नो स्कार्स, तो इसमें जो है कि इन दोनों में मैं रिकमेंड करती हूँ नो स्कार्स को, ठीक, और सेकंड जो है वो के लाइट, ठीक। और ये रहा, मतलब इस तरह के प्रोडक्ट है। पिगमेंटेशन में भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो पिगमेंटेशन के लिए भी एक क्रीम है बहुत बढ़िया, पर सिर्फ क्रीम लगा के नहीं होगा, उसमें एक फॉर्मूला बताया है मैंने, फॉर्मूला मैंने उसकी वीडियो भी मैंने डाल दी है, आप चेक कर सकते हैं। पिगमेंटेशन में बहुत ही बढ़िया से उसने काम किया है, तो उसे भी मैंने नोट कर लिया है, ताकि मुझे आसानी रहे बताने के लिए। और जैसे सोप की बात आती है, तो एक्ने के लिए तो सोप है, जैसे कि डर्माड्यू की सोप बहुत बढ़िया है, एक्ने बहुत अच्छा वर्क करती हैं। और सेटाफिल की जो क्लिंजर है वो बहुत बढ़िया है एक्ने के लिए, तो ये हैं। और अगर हम सोप की बात करें स्किन लाइटनिंग के लिए, तो मैं ग्लूटाब बोलती हूँ, मेलास बोलती हूँ, और डर्माड्यू है, और भी सोप हैं शायद, ध्यान नहीं आ रहा मुझे। सोप के जो है, सोप बहुत हैं ऑप्शन में, ठीक है, क्योंकि सोप जो हैं वो काफ़ी हैं, जिनके रिजल्ट जो थे वो सेम मिले हैं, तो बहुत सारी सोप हैं ऐसे। तो इसलिए आज जो सोप का रिव्यू होने वाला है वो के लाइट फेयरनेस सोप है। तो इसके रिजल्ट जानेंगे कि इसके रिजल्ट क्या हैं, इसके रिजल्ट किस तरह से मिले हैं, ठीक है। तो इसका जो प्राइस है वो है 90, और ये आपको सिंगल भी मिल जाएगी। कई बार क्या होता है कि सिंगल सोप आपको नहीं मिलती, सिर्फ मेडिकल पे ही आप ले सकते हैं, मेडिकल स्टोर से। तो अगर आप ऑनलाइन लेते हैं तो पैक ऑफ 2 या पैक ऑफ 3 आपको लेना पड़ता है, पर ये सिंगल मिल गई, मतलब इसमें मेरे पैसे बच गए, ठीक है। तो ये क्या है, 100% नेचुरल है, ये क्लेम करता है, और ये फेयरनेस सोप है, ठीक है। अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करें, तो इसमें कोजिक एसिड है, लेकिन कोजिक एसिड तो एक नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स नहीं है, ये तो मतलब एजिंग, मतलब एंटी एजिंग का भी काम करता है कोजिक एसिड, और ये एक वाइटनिंग एजेंट है कोजिक एसिड, ठीक है। लेकिन एलोवेरा है इसमें, जो कि नेचुरल है, और टर्मरिक ऑयल है, ठीक। तो कोजिक एसिड मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो इसके साइड इफेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाले आपको। जी हाँ, बिल्कुल, मैंने इसे ट्राई किया, साइड इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इतने बड़े बड़े अक्षरों पे मैं लिख दूंगी, क्योंकि काफ़ी लोग जो है ना सिर्फ प्राइस ही पूछते हैं। हालांकि मैं अपने हर वीडियो में प्राइस बताती हूँ, फिर भी आप लोग प्राइस पूछते हो। अब मैं अपनी वीडियो देख के थोड़ी प्राइस बताऊंगी, है ना, अपनी वीडियो थोड़ी खोलूंगी यार आपको प्राइस बताने के लिए। तो आप क्या करें ना, अगर प्राइस नहीं आपको वीडियो में, आप वीडियो पूरी नहीं देखते हैं, तो प्लीज़ एक
काम करिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और मैं ये नहीं कहती मेरी वीडियो पूरी देख लो पूरी देख लो, मेरा मानना ये होता है कि अगर आपको रिजल्ट जानना है, ठीक है, और कमेंट बॉक्स एक बार जरूर चेक कर लें। उसमें क्या होता है कि कई लोग उस सोप को जो है ट्राई कर चुके होते हैं, तो उससे आपको कमेंट में भी जाके जो है आपको रिजल्ट पता चल जाते हैं, अगर कोई वीडियो नहीं देखना चाहता है तो, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं इसके रिजल्ट की, ठीक है, तो ये सोप जो है वो पिंक कलर में आता है। सोप मैं आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि मैं इसे पूरी यूज कर चुकी हूँ, ये पूरा खाली है।